हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय चैनल पूजा डॉटर्स। 17 तो यहाँ पर आंसू सो रहे हैं, मेरी नींद खुल चुकी है, यहाँ मिठू लोग भी उठ गया है। तो मैं फटाफट उठी और देखी कि दरवाज़ा खुला है। मैं सोची कि कोई खोल कर चला गया क्या, या फिर मम्मी भाई भी आए हुए हैं तो हो सकता है भूल गए। तो पता चला कि यहाँ का भाई आकर घर का साफ़ सफाई कर रहा है। भाई जब भी आता है गुजरात से तो घर का सारा काम वही करता है। शादी का पहले भी यही था और शादी के बाद भी, भाई का नहीं मेरा शादी। तो मम्मी भी आई हुई है, मम्मी आरवी को पहले ही उठा लिया और आरवी को लेके चल गई थी। यहाँ पे भाई घर का सारा काम कर चुका था और आरवी यहाँ बैठे बैठे खेल रही थी। तो घर का खाना पीना सब कुछ हो गया था मेरे उठने से पहले ही। अब हम लोग निकल चुके हैं मार्केट, तो ऑटो में बैठ के हम लोग सब कोई जा रहे हैं मार्केट। आंसू घर पे ही है, वो नहीं गए हम लोग के साथ में। तो यहाँ पर भाई का कुछ भी कपड़ा वगैरह जो था वो सिलने के लिए हम लोग दे दिए, क्योंकि भाई का कुछ भी कपड़ा वगैरह हो तो हम लोग ही खरीदते हैं, वो खुद से नहीं खरीदता। फिर आरवी का कुछ सामान हम लोग एक्सचेंज करके लेना था, ज्वेलरी, तो वो यहाँ पर मम्मी बदल कर ले रही है। जो भी सामान उसका छोटा पड़ गया था तो हम लोग बोले कि मम्मी बोली नया ले लेते हैं, क्योंकि भाई मामा नानी का दुलारी है आरवी, तो वो लोग नहीं चाहते कि उसका कुछ कमी हो। फिर भाई का हम लोग शू लेने के लिए चल चुके थे, नहीं सॉरी, यहाँ पर आंसू भी हम लोग के साथ आए थे। तो मार्केट से हम लोग आ गए घर और सब्जी लेकर आए। मम्मी यहाँ पर खाना गर्म कर रही है क्योंकि हम लोग कोई खाना नहीं खाए थे, बहुत ज़ोर से भूख भी लगा था। आरवी यहाँ पर खेल रही है। आप लोग ब्लॉग को पूरा देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फॉलो ज़रूर कीजिएगा और हाँ, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सारा काम हम लोग का ख़त्म हो गया था, यहाँ भाई कुछ थोड़ा बहुत काम कर रहा है। और हाँ, आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।